एक्सप्रेस तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें बिज तक प्रीमियम। मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। आज के समय में आधार कार्ड हमारी पहचान का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। इस 12 अंकों के यूनिक नंबर आईडी आधार कार्ड के बारे में पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि सरकार इसको लेकर कुछ नया अपडेट लाने वाली है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी सामने आ चुकी है, जिसका असर हम सब पर भी पड़ने वाला है। क्या है सरकार का नया प्लान, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। आधार कार्ड हमारे लिए एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर बैंक में खाता खुलवाना हो, हर जगह आधार कार्ड की जरूरत होती है। आधार कार्ड की सुविधा को देखते हुए अब सरकार ने आधार से सत्यापन यानी ऑथेंटिकेशन का विस्तार किया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने टाटा बिरला की कंपनियों सहित कुल 22 फाइनेंशियल कंपनियों को ग्राहकों के आधार नंबर के जरिए वेरिफिकेशन करने की अनुमति दी है। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि ये 22 कंपनियां अब अपने आधार नंबर का इस्तेमाल करके ग्राहकों की पहचान और लाभार्थी मालिकों की डिटेल को वेरीफाई कर सकेगी, जो पहले से ही PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में काम कर रही है। सरकार ने जिन 22 कंपनियों को अप्रूव किया है उसमें गोदरेज फाइनेंस, अमेजॉन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स फाइनेंस सॉल्यूशन, IIFL फाइनेंस और महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम शामिल है। बता दें कि देश की तमाम बैंकिंग कंपनियों द्वारा ग्राहकों की पहचान वेरीफाई करने के तरीकों में आधार ऑथेंटिकेशन भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल देश के सभी बैंक काफी समय से करते आ रहे हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA बैंकिंग कंपनियों के साथ ही वित्तीय कंपनियों को भी आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम को अपनाने की इजाजत देता है। बता दें, आधार ऑथेंटिकेशन की अगर बात करें तो UIDAI के मुताबिक आधार ऑथेंटिकेशन या आधार प्रमाणीकरण एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी व्यक्ति की जैसे कि जनसंख्यिकी जानकारी, नाम, जन्मतिथि, जेंडर जैसी या बायोमेट्रिक जानकारी जैसे कि फिंगरप्रिंट या आयरिस के साथ साथ आधार संख्या UIDAI के केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी यानी CIDR में जमा की जाती है। इसके सत्यापन के लिए और UIDAI अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर जमा किए गए डिटेल्स की ऑथेंटिसिटी या इसकी कमी की पुष्टि करता है। ऑथेंटिकेशन का फायदा ये है कि जब भी आपको कहीं अपनी आईडी प्रूफ करनी होगी तो आपको अलग से कोई आईडी या मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं होगी, आपका आधार नंबर ही आपके आईडी वेरिफिकेशन का काम करेगा। वहीं ऑथेंटिकेशन की जरूरत सरकारी योजनाओं और निजी सेवा देने वालों जैसे PDS, नरेगा, बैंकों और दूर संचार ऑपरेटरों ने अपने बेनिफिटर्स और यूजर्स के वेरिफिकेशन के लिए आधार प्रमाणीकरण को अपनाया हुआ है। ऑथेंटिकेशन आम तौर पर या तो लाभ के वितरण या सेवा की सदस्यता के समय किया जाता है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।